भाई मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह कभी ना कभी ट्यूशन जरूर गए होगे या अभी भी जाते होगे। तो भाई कभी गलती से भी ट्यूशन वाले सर की फीस मत रोक लेना वरना आपके साथ ये कांड हो सकता है। ये मेरा स्टूडेंट थी, मैं इसे पढ़ाता था, इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया, 10,000 हो गए थे और ये दे नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, हमने इससे शादी कर लिया। शुगर डैडी, शुगर मॉमी ये सब तो सुना था, लेकिन अब शुगर मास्टर जी भी आ गए मार्केट में। भाई ये सब चल क्या रहा है देश में? चचा का फीस वसूल करने का तरीका कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं है। एक मिनट, चचा के फीस वसूल करने का तरीका कैजुअल नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही सेक्सुअल है। और देख लो, इतनी बेहुदा हरकत करने के बाद भी ये बुड्ढन क्या बोल रहे हैं। शादी कर लिया तो आप हमें बताएं, आप हमें आशीर्वाद। आशीर्वाद लिया जाता है अपने से बड़े बूढ़ों का, मगर चाचा तुम्हारे बड़े बूढ़े तो कब की अपनी कवर का टिकट कटा चुके होंगे, तो अब आशीर्वाद कौन देगा। वैसे देखा जाए इन बुड्ढन ने एक नया पेमेंट मेथड अनलॉक कर दिया है। मेरे दोस्त ने भी मुझसे कुछ दिनों पहले 1,000 रुपए लिए थे जिनको वो वापस नहीं कर रहा है, तो क्या अब मेरे पास भी यही आखिरी रास्ता बचा है अपने दोस्त से पेमेंट वसूल करने का? लड़कियां तो आती जाती रहेंगी मेरे भाई, जिम जा, बॉडी बना, ये अलग ही नशा है। पर भाई जैसी तेरी कंडीशन है उसको देखकर लगता है लड़कियां भी तेरे पास नहीं आएंगी। वो जमाना पहले का था जब लाल पीले बाल वाले लड़के लड़कियां लेके घूमते थे, अब तो ऐसा हुलिया देखकर लड़कियों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, छपरी। और रही बात बॉडी की, तो भाई कौन सी बॉडी की बात कर रहा है तू? जो बॉडी तूने बनाई है उसको घर पे रख के आया है क्या? क्योंकि यहां तो तेरे शरीर के ऊपर पसलियों के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। भाई इससे ज्यादा बॉडी तो एक मजदूर की बन जाती है और उसको तो ऊपर से दिहाड़ी के पैसे भी मिलते हैं। तो पूरी बात का मॉरल ये है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो जिम जाने से अच्छा आप लोग मजदूरी कर लो, बॉडी की बॉडी बनेगी और चार पैसे भी कमा लोगे। क्या सोच है तेरी भाई? अपनी बंदी को संभाल, बहुत बिगड़ रही है। मैंने तो बिगाड़ा है। हो गया, चलो अब चुपचाप जाओ, डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है। वैसे इन बेचारे बच्चों से कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, सारी गलती है इनके माँ बाप की। तो अब आप सबके मन से जितनी भी गालियां निकल रही हैं इनके माँ बाप को दी जाएं। इस बेचारे मासूम को तो मालूम ही नहीं है कि इसका बाप इससे चॉकलेट के लालच में आखिर क्या क्या काम करवा रहा है। बड़ा होकर जब ये बेचारा अपनी वीडियो देखेगा तो जितनी गालियां हम लोग इसके बाप को दे रहे हैं उससे डबल गालियां ये अपने बाप को देगा। बात तो सही है। बधाई हो, सोशल मीडिया बकैती के शहंशाह जिले लाही खुराफात सिंह पटौदी आ चुके हैं। भाई ये कैसा कैसा हुलिया बजाने लग गए हैं लौंडे आजकल। इसने तो यहाँ फैशन की प्रियंका चोपड़ा फेल कर दी। फैशन में थी प्रियंका चोपड़ा लेकिन यहाँ पर है ये अम्मा का परा। वैसे आप लोग क्या सोच रहे थे? भाई ये ट्रिगर्ड इंसान यहाँ पर ये सब क्या हरकतें करने लग गया। भाई इसीलिए मैं कहता हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो देखना बंद मत किया करो। देख लो अब बेचारे ट्रिगू भैया को ये सब क्या करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस फिर से देखना शुरू कर दो ताकि वो ये सब हरकतें बंद कर दे। और आप लोग मेरी भी वीडियोस देखते रहना ताकि मुझे भी व्यूज के चक्कर में सड़क पर ये सब छिनाला ना काटना पड़े। दिन में 2 बार चार्ज जरूर करते हैं लेकिन हमारा आईफोन तुम्हारे एंड्रॉइड की तरह बार बार क्लीन अप नहीं मांगता क्योंकि बस भाई बन लिया कूल, अब जा चुपचाप ईएमआई के पैसे भरते जाके। भाई एक पहले का टाइम था जब हाथ में आईफोन देखकर लोग इज्जत किया करते थे, लेकिन अब इन जैसे लौंडों के हाथ में आईफोन देखकर लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लौंडे भी देखे हैं जो दिन की 400 रुपए दिहाड़ी मारते हैं और किस्तों में आईफोन निकाल के ले आते हैं। इनकी वजह से हम जैसों की और बेइज्जती हो रही है मार्केट में। अब मैं आपको अपना ही एक किस्सा बताता हूं। होता क्या है, मैं जाता हूं बार्बर की शॉप में अपने बाल कटाने। अब यार जब बाल कटाने जाते हैं तो मैं ऐसे ही अपनी पुरानी टी शर्ट और लोअर में चला गया और फिर बाल कटाने के बाद जब मैंने पेमेंट करने के लिए अपना आईफोन निकाला तो वहां पर बैठे 2 अंकल बोल रहे हैं साला आईफोन की कोई औकात ही नहीं रह गई है, जिसे देखो किस्तों में निकाल ले रहा है। मुझे ये सुनके हंसी आ गई और मैंने कहा अंकल बात तो आपकी सही है पर मेरा आईफोन किस्तों वाला नहीं है। खाओ माँ कसम। लेकिन हमारा आईफोन तुम्हारे एंड्रॉइड की तरह बार बार क्लीन अप नहीं मांगता। यहाँ भाई बोल रहा है जो आईफोन होता है वो एंड्रॉइड वालों की तरह बार बार क्लीन अप नहीं मांगता है, मगर भाई एंड्रॉइड वालों से दुकान वाला हर महीने तुम्हारी तरह ईएमआई भी नहीं मांगता है, इसलिए किस्तों के आईफोन से बढ़िया पूरी पेमेंट का एंड्रॉइड अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक कमेंट जरूर करना और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर हमारे बहुत ही जल्द 1,00,000 फॉलोअर पूरे होने वाले हैं, तो आप लोग जाओ मुझे फॉलो कर लो, उसकी लिंक आपको मेरी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।